खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हमारे आज के खास कार्यक्रम भाग्य चक्कर में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान बताते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं आचार्य सतीश जोशी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज का पंचांग क्या कहता है? आज 28 नवम्बर दिन बुधवार, माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 8:52 तक चलेगी। आज अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र शुरू हो रहा है प्रातः 8:09 तक। उससे पहले गणमूल नहीं है और 8:09 प्रातः से गणमूल शुरू हो जाएगा, जो कल 6:52 तक रहेगा। इसमें जिन बच्चों का जन्म होगा उनको गंडमूल का दोष लगेगा, और जिन बच्चों का आज जन्म होगा इस समय में, उनके जन्म का जो पहला अक्षर होगा डी, डू, डे और डो, आज योग है, ब्रह्म योग है, बहुत बढ़िया योग है। और आज चंद्रमा कर्क राशि में है और सूर्य महाराज वृश्चिक राशि में है। आज का जो सूर्य उदय है चंडीगढ़ का, वो रहेगा प्रातः 7:03 पर और सूर्यास्त रहेगा 5:17 तक। आज रवि योग है, बहुत ही अच्छा योग है जो शुरू हो गया है, सूर्य उदय से लेके कल प्रातः तक सूर्य उदय तक रहेगा, यानी 6:38 तक रवि योग रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार के सरकारी काम करने हो बहुत शुभ होता है, नेताओं के लिए बहुत अच्छा है, नामकरण करना, आवेदन करना, तो रवि योग में किया गया कार्य बहुत ही सिद्धि प्रदान करता है, तो आज रवि योग चल रहा है। तो ये आज का पंचांग हमने जाना। अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पे। आज का राशिफल क्या कहता है? आज मेष राशि वालों के बिगड़े हुए रिश्ते जो हैं पुनः सुधर सकते हैं। किसी भी काम में लापरवाही न बरतें, उन लोगों से दूर रहें जो आपको किसी गलत काम के लिए प्रेरित कर रहे थे। आज आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके दैनिक जीवन में स्थिरता आएगी। वृषभ राशि वाले, जीवन के प्रति गंभीरता को मनाए रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का आपको सहयोग मिल सकता है। किसी भी बात को बोलने से आज झिझकें। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातक, आज आप नई सोच एवं योजनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा समय नहीं है। अपने विचारों को एक दिशा देने का प्रयास करें। आपने कार्य में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातक, किसी साथी या सहकर्मी से विवाद हो सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले परिवार का विचार विमर्श जरूर करें। विदेश जाने के विषय में आज कोई विचार बना सकते हैं। यदि किसी नए कार्य को करने का अवसर मिलता है तो उसे आज हाथ में न जाने दें। सिंह राशि, आपका समय मुश्किलों से गुजर रहा है, लेकिन संयम बनाकर चलने से उन मुश्किलों का समाधान हो सकता है। आज आप में सकारात्मक ऊर्जा दिन भर बनी रहेगी। आर्थिक मसलों का सावधानी पूर्वक हल करें। अपने साथियों के साथ किसी सामाजिक गतिविधि में हिस्सा ले सकते हैं। कन्या राशि के जातक, किसी भी क्षेत्र में अगला कदम रखना का आज काफ़ी अच्छा समय है। आज आप अपने लिए कोई अहम निर्णय ले सकते हैं। आपका कोई दोस्त आपसे अपना रहस्य साझा कर सकता है। आप किसी करीबी दोस्त के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तुला राशि के जातक, आज आपको कोई शुभ समाचार सुनने का मौका मिलेगा। आज आपकी जिंदगी में कोई सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। अपनी योजना पर पुनः विचार करने का यह अच्छा समय है। कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। वृश्चिक राशि के जातक, आज आपको
जानने वाले आपके विषय में कोई नकारात्मक विचार बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ बातचीत करते रहें। किसी कार्य में फैसला लेने से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपसी विचार विमर्श करके आप एक उचित निर्णय ले सकते हैं। धनु राशि का जातक, आज पास किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से आकर्षित कर पाएंगे। भावनात्मक समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती है। किसी भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको खुद पर भरोसा रख के चलने की बहुत जरूरत है। मकर राशि का जातक, आज आपको भविष्य की योजनाओं पर फोकस करने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आज आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। आपका कोई करीबी आज आपको निराश कर सकता है। कानूनी मसले आज आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। कुंभ राशि का जातक, बेवजह किसी कार्य को करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। कई नकारात्मक विचार आज आपको घेरे रखेंगे, जिनसे खुद को बचाकर रखने की आज आवश्यकता है। व्यापार में बढ़ोतरी होने की आंशिक संभावना है। मीन राशि के जातक, आज किसी अजनबी से विवाद होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। परिस्थिति पारिवारिक मसले आपको परेशान कर सकते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की आज बहुत अच्छी आवश्यकता है और अधिक समय दोस्तों के साथ व्यतीत करें। तो राशिफल आज हमने जाना कि जिसके अनुसार आपकी दिनचर्या किस तरह की रहने वाली है और किन किन कामों से आपको बचना चाहिए और कौन से काम आज आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो हमारी पहली दर्शक हमारे साथ रीना कुमारी अंबाला से जुड़ गई हैं, तो उनसे पूछिए आप आचार्य जी से क्या पूछना चाहेंगे। रीना कुमारी प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम रीना कुमारी है। मेरा जन्म नौगछिया बिहार का है। हाँ जी। डेट है 9/3/91। हाँ जी। और समय है 4:45 शाम के। हाँ जी, पूछिए। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी शादी कब तक होगी और किधर को होगी? देखिए, आपकी शादी जन्म स्थान से काफी दूर होगी और थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। जो आपने मन में कंडीशन लगा रखी है उसमें थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कीजिए और अच्छा रिश्ता होगा। लड़का समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा और जन्म स्थान से दूर कोशिश करें। अपने माता पिता से कहें कि जन्म स्थान से दूर विवाह का योग बनता है। अगर वो दूर कोशिश करेंगे तो जल्दी विवाह हो जाएगा। आपका विवाह का स्ट्रॉन्ग योग जुलाई के बाद शुरू हो रहा है, तब तक आप बृहस्पति महाराज की पूजा पाठ व्रत वगैरह करते रहिए, इससे कार्य जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रीना कुमारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक संतोष यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आप। हाँ पंडित जी, हम लाइब्रेरी से बोल रहे थे, यूपी लाइब्रेरी। खुश रहो। 14/5/1980 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी। और ये सुबह का समय है मेरा जन्म का, ये आप थोड़ा क्लियर नहीं है, 11:30 का। ठीक है। हम जानना ये चाहते हैं पंडित जी कि काफी दिनों से जो है जैसे कोई जॉब लगती है, फिर उसके बाद कुछ रहता है, उसका फिर छूट जाता है, ऐसे में करते हुए आज इतना दिन हो गया लेकिन कोई परमानेंट जॉब नहीं दी। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तरक्की होगी आपकी, थोड़ी स्थिरता कम है। अपने मन को समझाइए, स्थिर रहिए। आप जॉब में जाते हैं फिर मन आपका उचाट हो जाता है, फिर दूसरी जगह कोशिश करते हैं। आप कम से कम एक जॉब में 2 रहिए, उससे आपकी तरक्की होगी, जॉब मिल जाएगी आपको। जनवरी से जॉब का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा आपको, परंतु स्थिरता कम दिख रही है, तो आप स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। केसर का तिलक लगाया करें, मंदिर गुरुद्वारे कहीं धर्म स्थान में जरूर जाया करें आप, जिससे आपका मन में धैर्य आएगा, स्थिरता आएगी और स्थिरता आने से आपकी प्रोग्रेस होगी और सर्विस जनवरी से मिल जाएगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी के समाधान के अनुसार स्थिरता बनाए रखें तो आपका कार्य सफल रहेगा। अगले हमारे साथ दर्शक अंतराल राजस्थान से जुड़ गए हैं, तो पूछिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहेंगे अंतराल आप। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो।
हाँ पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ 4/7/91, मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 4/7/91 शास्त्री जी। 4/7/91। हाँ जी। टाइम? टाइम बोलिए। 4/7/91 जी। टाइम याद है? टाइम जी टाइम याद नहीं है कंफर्म। कोई बात नहीं, एक नंबर बोलो 1 से 12 के बीच में। जी 1 से 12 के बीच में नंबर बोल दीजिए एक। हाँ 3 बजे की समथिंग है जी। ठीक है, देखिए आप सच्चे मन से थोड़ा प्रयास कम कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रयास थोड़ा बढ़ाइए, जॉब तो मिल जाएगी, परंतु आपको सीरियस नहीं लग रहे आपके ग्रहों के हिसाब से, और अच्छे योग बन रहे हैं आपके, 15 दिसंबर से अच्छा योग है सर्विस के, मिल जाएगी, ओपन रखो अपना माइंड और मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी सर्विस आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अंतराल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनको पहले तो खबरें अभी तक की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। अगले दर्शक हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, शालिनी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शालिनी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए आप आचार्य जी से क्या पूछना चाहते हैं। शालिनी, मेरा जन्म 8/6/1996 में हुआ है और 3 जमशेदपुर 3/10 से मेरा जन्म है शाम के। मुझे पूछना है कि मेरी शादी कब होगी? शादी 2019 में प्रबल योग बन रहा है, लड़का बहुत सुंदर होगा और सर्विस में होगा और ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 19 में मार्च पहले के बाद योग शुरू हो जाएगा और पहले रोका हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर के पास शादी का प्रबल योग है। 2019 खाली नहीं जाएगा आपका, फिर भी गाय की सेवा करते हुए गाय को चारा वगैरह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही आपकी शादी हो जाए और आपकी शादी सफल हो। तो आचार्य जी, आज जिन लोगों का जन्मदिन है पहले तो उनके लिए खबरें अभी तक की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। आचार्य जी, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और पूरा साल उनके लिए कैसा रहेगा, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्णम कुशलम करोतु, भगवान श्री कृष्ण उनको हमेशा खुश रखे। आज जिनका जन्म है ये वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पर थोड़ा बहुत घरेलू क्लेश तनाव मानसिक तनाव हो सकता है और जॉब में परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल है और दूर स्थान जाने का योग बन रहा है। मान लीजिए जॉब नज़दीक है तो दूर हो जाएगी, ट्रांसफ़र भी हो सकती है आज के दिन जिनका जन्मदिन है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। स्थान परिवर्तन भी होगा और स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नरम रह सकता है, तो इनके लिए है उपाय है, आज जन्मदिन पे आप पीली वस्तुओं का दान करें, गरीबों को मिठाई पीली मिठाई बांटिए और केसर का तिलक लगाइए और सतनजा दान कीजिए या गऊओं को खिलाइए, उससे आपका पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। इसी बीच हमारे दर्शक हमारे साथ सौरभ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी सौरभ जुड़ गए हैं आप कार्यक्रम में। सौरभ आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो आचार्य जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आज जिनका जन्मदिन है उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और उपाय करने से पूरा सा जो भी कोई नकारात्मक ग्रह होता है उसका आज उपाय, क्योंकि उनका नया साल, आज उनका नया साल शुरू हो गया जी। तो नया साल अगर शुरू होता है उसी दिन कुछ उपाय हो जाए तो पूरा वर्ष अच्छा रहता है। जो भी कोई ग्रह खराब होते हैं उनका उपाय करने से सब प्रकार का पूरा वर्ष जो भी कठिनाइयाँ नहीं आती जी। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको बृहस्पति का दान करना चाहिए। बृहस्पति के दान में आती है पीली मिठाई गरीब बच्चों को बांटें, केसर का तिलक लगाएं और गौ माता की सेवा करें। इससे क्या है, उनका जो ग्रह खराब हैं वो अच्छे रहेंगे और उनका पूरा साल बहुत बढ़िया रहेगा, आर्थिक स्थिति बढ़ोतरी होगी और जो कोई समस्याएं दिखा रहा है इस वर्ष वो समस्याएं कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो जन्मदिन पे उपाय ज़रूर करने चाहिए जी।
तो आज जिन भी लोगों का जन्मदिन है उनको मुबारकबाद तो आचार्य जी ने दी दी है, और साथ में उपाय भी बताए हैं कि क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं। तो जो भी आचार्य जी ने उपाय बताए हैं अगर आप उन्हें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन भी सफल रहेगा और जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में है वो भी कम हो जाएंगी। आचार्य जी, यहीं पर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है उनका रुझान विदेश की ओर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये होरोस्कोप में ऐसे योग होते हैं जिनके चतुर्थ भाव में राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, उन्होंने जन्म स्थान से दूर जाना ही जाना है, ये 100% योग बनता है। अगर जन्म स्थान के नज़दीक रहेंगे तो उनकी तरक्की नहीं होगी, तो उस योग के हिसाब से अगर चलते हैं इंसान तो वो विदेश में कामयाब होगा और विदेश में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में इतना ही।